नौकरी की बहाली को पीटीआई अध्यापकों ने खरखोदा विधायक जयवीर को सौंपा ज्ञापन। मंगलवार को खरखोदा में भी अपना रोष प्रदर्शन करते हुए बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों ने स्थानीय विधायक जयवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान पीटीआई रहे बर्खास्त अध्यापकों ने कहा कि राजनीतिक द्वेष के कारण उन्हें हटाया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उन्हें नौकरी दी थी, जबकि 3 से 4 बार सभी तरह के कागजात जांच पड़ताल हो चुकी है, जिसमें कोई भी अध्यापक दोषी नहीं पाया गया। इसके बावजूद भी उन्हें नौकरी से हटा दिया गया। खरखोदा पहुंचे बर्खास्त पीटीआई अध्यापकों का समर्थन करने के लिए आशा वर्करों की यूनियन की तरफ से भी उन्हें समर्थन देते हुए खरखोदा में किए गए प्रदर्शन में अपनी भागीदारी दर्ज करवाई। शहर के बस स्टैंड पर विधायक को बर्खास्त अध्यापकों ने अपना मांग पत्र सौंपते हुए सड़क से विधानसभा तक उनके हक की आवाज उठाने में सहयोग देने की मांग की। बर्खास्त अध्यापकों ने मांग की है कि प्रदेश सरकार सहानुभूतिपूर्वक और मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी 1983 पीटीआई अध्यापकों की सेवा को पुनः बहाल कर उन्हें सेवा सुरक्षा प्रदान करे। अगर ऐसा नहीं होता है तो सरकार को हर कदम पर बर्खास्त अध्यापकों के विरोध का सामना करना पड़ेगा। वहीं ज्ञापन स्वीकार करते हुए विधायक जयवीर सिंह ने कहा कि न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य है, लेकिन सरकार को बर्खास्त किए गए अध्यापकों के हित में कोई फैसला तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने भी बर्खास्त अध्यापकों को समर्थन दिया है। सोनीपत 24 के लिए सोमपाल सैनी की रिपोर्ट। के सभी यहाँ पहुंची है और आज ज्ञापन देने के लिए कमेटी यहाँ आई है। मैं बताना चाहूंगा, देखिए ठीक है, कोर्ट का फैसला कोई भी हो, सर्वमान्य हो, न्यायपालिका के हम कदर करते हैं। इसके साथ ही जनहित में सरकार का भार बनता है कि रोजगार दे, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं उनको रोजगार दें, लेकिन ये तो एक तरफ से जाती है। अच्छा, सालों से जो कर्मचारी 10 साल से अपनी सेवा दे रहे थे और उनको एकदम से हटा देना, ये तो एक बिल्कुल ही नाजायज निंदनीय कार्रवाई है। इसमें सरकार को आगे आने चाहिए और जितने भी कर्मचारी हटाए गए हैं इस दौरान, चाहे पीटीआई है चाहे और कोई कर्मचारी है, उनको तुरंत ये फैसला लेकर तुरंत उनको बहाल करें, क्योंकि घर में अगर एक रोजगार है उसी के सारे परिवार चलता है और हम रोजगार ही छीन लेंगे तो ये बहुत ही घिनौनी हरकत है। भाई न्यायपालिका फैसला आता है, फैसला तो SIL में भी आया हुआ है, उस पर क्यों नहीं गौर करते? ये रोजगार की बात आती है, लोग सरकारों का काम होता है रोजगार देना, नहीं कि छीनना, तो ये चीज की हम और निंदा करते हैं और आपको इस बात का विश्वास दिलाते हैं कि विपक्ष की तरफ से उड़ासा का पहले भी समर्थन है और हमारे से विपक्ष की तरफ से जो चाहेंगे हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। आगे आने वाला सेशन, विधानसभा सेशन जो आएगा, अगर इसमें सरकार जल्द से जल्द कोई कार्रवाई नहीं लेती, कोई फैसला नहीं लेती, तो उसमें हम एक तरफ ही सभी कर्मचारियों के हम विधानसभा में बात रखेंगे और आपकी बहाली पे। मैं नवीन मलिक सोनीपत जिला संघर्ष समिति का प्रधान हूँ और आज हम यहाँ पर हमारा 30वां दिन चल रहा है कर्मी कमीशन का, और जिसमें आज हम खरखोदा के विधायक जीओं से ज्ञापन देने के आए थे और उन्होंने ज्ञापन ले लिया। हमने उनसे एक ही बात कही है कि 1983 पीटीआई निर्दोष हैं और इनका साथ दो, कंधे से कंधे मिला के चलो और हमारे धरने पर बैठो ताकि विधानसभा में आप एक्ट को जल्दी से जल्दी बुलाओ और हमारा समर्थन करो। तो विधायक जीओं ने हमारा समर्थन लिया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम आपके साथ हैं, धरनों में भी चलेंगे और जो तुम रोस रैली निकाल रहे हो इनमें भी साथ चलेंगे, तो ये तो उन्होंने आश्वासन दिया है। और हम 30वां दिन है, हमारी सरकार कुछ भी नहीं सुन रही है, ना हमारे पास आ रही है, झूठे आश्वासन दे रही है। टेबल पर जाते हैं तो पेपर की बात करते हैं, जो हमने पहले भी कह दिया कि पेपर हमने लोटे में लून घेर लिया, अपने बच्चों की कसम खा ली है, और अगर फिर भी सरकार
दबाव दे के पेपर लेना चाहेगी तो हमारी जो 20,000 परिवार हैं जो दुखी हैं उनकी लाशों के ऊपर के उतर के ही पेपर ले सकती है, नहीं तो पेपर नहीं होगा और ना ही हम देंगे। और यही बात हम सबको जन आक्रोश कर रहे हैं और सब गांव-गांव में घूम रहे हैं, सभी जगह हमारे को समर्थन मिल रहा है जनमानस का, खाप पंचायतों का, संघों का और जितनी भी यूनियन है सबका समर्थन है और सब एक ही बात कह रहे हैं कि आप निर्दोष हो और आपको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन सरकार की बिल्कुल भी जूं भी नहीं चल रही है, बिल्कुल कानों में वो अपने पे अड़ी हुई है, राजनीति कर रही है और एक ही बात कह रही है हम तो पेपर लेके रहेंगे। लेकिन हमने भी एक वादा कर रखा है कि हम ना तो पेपर देंगे और अगर पेपर सरकार लेगी तो हम 20,000 जो लोग हैं उनकी लाशों के ऊपर के उतर के पेपर लेंगे। अभी आपकी क्या मांग है? भाई यही मांग है कि हमें जल्दी से जल्दी जिस दिन से हम रिलीव करे थे उसी दिन से हमारे को बहाल कर दें और हमारे को ये नौकरी हमारी बचाएं।